व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हैं आप लोग आज? तो मतलब मैं मतलब परेशान हो गया हूँ। लगता है कि यार शायद मेरे साथ ट्रेजिडी हो रहा है या मेरे साथ मजाक हो रहा है। जितने डीलर के साथ मैं शूट कर रहा हूँ ना, सभी डीलर येलो येलो टी शर्ट पहन के आ रहे हैं। मैं भी कंफ्यूज हो गया हूँ, क्या बात है, लाल के साथ पीला मैचिंग कर रहा है ना। इसीलिए इस बार देख लीजिए कलेक्शन फिर से, आपको पता ही है। नया डीलर के पास हम आ गए हैं, हमारे मोटो मैनिक के पास। और मोटो मैनिक के पास आने के मतलब यहाँ भी आपको स्पोर्ट्स कलेक्शन मिल जाएगा ज़बरदस्त कंडीशन में। और कंडीशन तो आपको पता ही है, ज़बरदस्त हमेशा की तरह होता रहता है। और यहाँ पर देख लीजिए पल्सर के साथ KTM है, CBR, जागलेबा, दो जुड़वा भाई दिखाए थे, एक भाई निकल गया है, दूसरा भाई बचा हुआ है। तो दूसरा भाई को भी इस बार दुर्गा पूजा में आप दिखा के लेके चले जाइएगा। तो उससे पहले अगर हमारे चैनल में नए हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, दुर्गा पूजा का समय का टाइम है तो आप लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब कुछ कर लीजिएगा। वही जो लाल बटन दिखाई देता है, यही लाल बटन है, दबा दीजिए, ठीक है। दबाने के बाद इसको व्हाइट कर लीजिए और पीला तो बात होता रहेगा। तो चलिए मुलाकात करते हैं अरिजीत दा के साथ। नमस्कार, बढ़िया, आप कैसे बताइए? आज दादा हमारे साथ सच में मजाक हो रहा है, सच में मजाक, सब लोग आ रहा है, सब येलो येलो टी शर्ट पहन रहे हैं, क्या बात है। लेकिन हम लोग कोई बात करके एक नहीं, कोई नहीं, हमको सुबह ही एक डीलर चश्मा जो पहन के येलो पहन के फिर एक जगह और वीडियो करे वो भी येलो पहन के टी शर्ट। और आपको देख कोइंसिडेंस, मतलब हमारे साथ मजाक हो रहा है जी। तो दादा आपके पास आ गए बहुत दिन बाद, बहुत दिन बाद, लास्ट से हो गया एक महीना से, डेढ़ महीना कहाँ थे आप इतना दिन? काम ही कर रहे थे। हाँ, आप लोग जो काम करके जाते हैं ना, अच्छा, वही काम संभालते टाइम लग जाता है। दादा इस बार तो कलेक्शन फिर से आप स्पोर्ट्स के साथ साथ थोड़ा बुलेट का भी कलेक्शन लेके आए हैं जी, बिल्कुल एकदम। उससे पहले हमारे बहुत सारे, जब हम आए थे तो उस टाइम शायद 1,00,000 सब्सक्राइब हमारा हुआ नहीं था, हो गया था बिल्कुल। तो कितना, 1,10,000 था, अब 1,40,000 हो गया। हाँ, दादा आप लोग नहीं करिएगा तो कौन करेगा? तो अब 1,40,000 हो गया है, तो हाँ, तो 30,000 सब्सक्राइबर बढ़ गए, 60 बाकी है। तो दादा तो नए सब्सक्राइबर के लिए आपका एड्रेस और आपके पास क्या क्या फैसिलिटीज़ है वो थोड़ा बोल देंगे तो बहुत बेटर। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, मेरा एड्रेस जो है ये आपका पड़ता है बागा जतिन में, विद्यासागर कॉलोनी 2x14 है, विद्यासागर कॉलोनी हम लोग का एड्रेस। नियरेस्ट लैंडमार्क जो हम लोग का आ जाता है वो है आपका आयरिस हॉस्पिटल। आयरिस हॉस्पिटल के पास आके कोई भी अगर बोलेंगे, वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस हम लोग का दुकान है, 2 मिनट का दूरी पे हम लोग का दुकान है, एकदम बिल्कुल। और फैसिलिटीज एकदम मैं आपको सब कुछ बता देता हूँ, आज आपको एकदम खुल के सब बात बता देता हूँ, ठीक है? तो कोई शायद बोलता नहीं होगा लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि बहुत आप लोग का जो आप जो वीडियो बना के जाते हैं ना कस्टमर लोग का, मैं कमेंट पढ़ता हूँ, मतलब एक बाय एक पढ़ता हूँ, क्योंकि बहुत कस्टमर नेगेटिव रहता है, पॉजिटिव रहता है, बहुत कस्टमर लोग का क्वेरीज रहता है, तो वो भी मैं आज आपको थोड़ा बहुत क्लियर कर दूंगा जी, बिल्कुल। सबसे पहले हम लोग के पास लोन फैसिलिटी अवेलेबल है। लोन हम लोग जो करते हैं, लोन जो होगा वो 2015 के ऊपर का गाड़ी होगा, 2015 के नीचे अगर 14-13 का गाड़ी होगा तो 40% या ऐसा नहीं आता है उसमें, बहुत मिनिमम अमाउंट का एक लोन होगा, ज़्यादा लोन नहीं होगा। पर्सनल लोन के हिसाब से मैक्सिमम आप पकड़ के रखिए 60-70% आपको देना ही पड़ेगा। मैं कुछ आपको लोन करवा के दूंगा 14-15 के नीचे का गाड़ी का, 15 एंड अबव गाड़ी जो होगा उसमें 40% के हिसाब से हो जाता है। कस्टमर लोग कंफ्यूज करते हैं, वो 40% है, 40,000 नहीं, ठीक है? तो 40,000 देने से सब गाड़ी में लोन नहीं होगा, वो 40% से होता है। कोई गाड़ी अगर 70,000 का है तो आपको 40,000 भी नहीं देना, उससे भी कम ही में होगा, 28 से 30,000 बिल्कुल। और एक मैं बता देता हूँ, ये 40% जो होता है या 35% जितना भी हम लोग करते हैं, इसमें एडिशन क्या होता है, आपका नेम ट्रांसफर चार्ज एडिशन होता है और उसमें लोन प्रोसेसिंग फीस जो रहता है वो ऐड होता है, वो ऐड होने के बाद ही वो 40% कैलकुलेशन होता है होने के बाद। इसमें आपका क्या, नेम ट्रांसफर जब करिएगा अलग से आपसे पैसा नहीं लेंगे, वो नेम ट्रांसफर भी आपका EMI में हम कन्वर्ट करवा करेंगे। तो नेक्स्ट जो आ जाते हैं हम लोग के यहाँ पे जो बात रहता है, जो लोग पूछते हैं सबसे ज्यादा, आपका मैं देखा ज्यादा नेम ट्रांसफर चार्ज क्या होता है, नहीं होता है, ये सब आप लोग से बहुत लोग पूछते हैं, लेकिन बहुत कोई बोलते नहीं होंगे या बता नहीं पाते होंगे या भूल जाते हैं, मिस कर जाते हैं, स्किप कर जाते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, अगर कोई कैश परचेस हम लोग से करते हैं, कस्टमर अगर RTO ऑफिस में जाके हम लोग के साथ साइन कर देते हैं, कस्टमर दोनों पार्टी कस्टमर आएंगे साइन कर देंगे, डिपेंडिंग ऑन RTO आप पकड़ के लगे 5,000 से 6,500 तक आपका कॉस्टिंग पड़ता है, क्योंकि हर जगह एक जैसा नहीं होता है, कभी अलग अलग RTO का भी गाड़ी होता है जी, बिल्कुल बिल्कुल RTO के ऊपर से डिपेंड करता है। लेकिन बहुत ऐसे कस्टमर है जो लोग बोल देते हैं, जो दादा हम नहीं आएंगे, हमसे पॉसिबल नहीं है, गाड़ी हम लेके चले जा रहे हैं, नॉन सेलर हो जाता है, उस केस में क्या हो जाता है ना दादा, चार्जेस जो है आप पकड़ के रहिए 2,500-2,500 रुपया बढ़ जाता है, लगभग पकड़ के चलिए तो 7-7.5-8 के आसपास आ जाता है, एकदम बिल्कुल 8 के आसपास आ जाता है। तो वो अगर कस्टमर नहीं आ रहे हैं तो, और अगर जो कोई अगर लोन में ले रहे हैं, लोन में ले लेगा, उन लोगों का चार्जेस ज़्यादा अलग रहता है, टोटली अलग रहता है, जिसमें आपका लोन प्रोसेसिंग फीस भी होता है। लोन प्रोसेसिंग फीस जो होता है वो आपका डिपेंड करता है आपका
गाड़ी जो गाड़ी का अमाउंट के वैल्यूएशन के ऊपर जितना अमाउंट पे लोन हो रहा है उस पर आपका वैल्यूएशन पे आपका डिपेंड करता है। अब नेक्स्ट जो आपको बता देते हैं आपका ऑफर के बारे में, हम लोग यहाँ 12 महीना जो ऑफर रहता है एकदम रहेगा ही, जो हम लोग का पूरा डिटेलिंग होकर आपको गाड़ी मिल रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आपका एकदम रहेगा ही आपका हमेशा। साथ में इसके साथ जो अभी दे रहा है ये पूजा के टाइम में जो गाड़ी लेके जाएंगे यहाँ से हम लोग का 10 लीटर पेट्रोल क्या बात है, 10 लीटर पेट्रोल मिल जाएगा। सिर्फ हमारा चैनल का नाम लीजिएगा और दुर्गा पूजा का टाइम में घूमिएगा पूरा कोलकाता 10 लीटर तेल में। तो दादा थैंक यू वेरी मच ये सब इन्फॉर्मेशन देने के लिए जो हमारे व्यूवर्स को बहुत अच्छा समझ में आ गया। फिर भी अगर आप कमेंट करेंगे तो हम आपको रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। तो पहले ही गाड़ी आपको हम दिखाएंगे लेगून कलर का सिग्नल एडिशन, हम इधर से सस्ता से चलिए सस्ता से हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या बात है, तो पहला ही गाड़ी देख पा रहे पल्सर आपके पास है, ये कौन सा 150 150 है पल्सर का, पल्सर 150 मॉडल है। ये गाड़ी जो आप देख रहे हैं ये 2018 का गाड़ी है, नॉन ABS मॉडल है, डिस्क मॉडल गाड़ी है, सामने डिस्क है आपका, ये 2018 की मॉडल है। ये गाड़ी का जो फर्स्ट ओनर गाड़ी है, ये गाड़ी का जो हम लोग आस्किंग प्राइस रखा हुआ दैट इज 55,000 कोई अगर कैश मिलेंगे वो भी निगोशिएबल है, फाइनेंस के लिए 55,000 जी बिल्कुल, कैश मिलेंगे तो डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। उसके बाद एक और 150 पल्सर, ये 2020 का गाड़ी है, ये जो गाड़ी आप देख रहे हो ये 2020 का गाड़ी है, अभी आप देख सकते हो 12BB नंबर 2020 का गाड़ी है। ये गाड़ी फर्स्ट ओनर गाड़ी है, ऑल पेपर्स कंप्लीट, इसका भी 5 साल का जो इंश्योरेंस रहता है आपका वो आपको मिल जा रहा है। इसमें फर्स्ट ओनर गाड़ी है, ऑल पेपर कंप्लीट, गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं कुछ नहीं एकदम, दो चाबी वाबी सब मिल जाएगा इस गाड़ी का। ये गाड़ी का जो हम लोगों ने आस्किंग प्राइस रखा हुआ दैट इज 1,15,000 पुराना वाला हेडलाइट, अगर थोड़ा सा खर्चा करेंगे आप, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, नया वाला मॉडल लग जाएगा 3,000 से 4,000 रुपए खर्चा करेंगे बिल्कुल, तो नया वाला जो है वो आ जाएगा, तो गाड़ी पूरा एकदम नया हो जाएगा एकदम, कुछ करने चेंजेस नहीं है, बस वो हेडलाइट का फर्क पड़ेगा और सारा सब कुछ सिंपल चेंज है। लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं BS4 मॉडल ही ज्यादा प्रेफर करते हैं, ये गाड़ी लोग लेते हैं ये माइलेज के लिए, 40-45 का आराम से माइलेज देता है ये गाड़ी। वो वाला लगा लीजिएगा, मेरा मतलब मेरे के हिसाब से वो लगा लीजिएगा तो आपका गाड़ी का वैल्यू और ज्यादा बढ़ जाएगा, वो गाड़ी 1,35,000 हो जाता है फिर आराम से, 3,000 खर्चा करिए, ये तो बगल में ही खड़ा है उसका हेडलाइट, लेकिन 3,000 रुपये खर्चा करेंगे 10,000 रुपये हमारे व्यूवर्स कमा लेंगे बेच के दूसरे को, जब बेचेंगे तभी एकदम। तो ये गाड़ी आप लीजिएगा 1,15,000 रुपये में, सेम टू सेम वैसा ही है लेकिन ये 250 है, हम बोलेंगे नहीं कौन सा लेकिन 250 बोलेंगे 250 है हम बता देते हैं। ये आपका KTM Duke 250 है, ये 2019 की मॉडल है, 2019 का ABS है ये, ये गाड़ी भी एकदम चला हुआ आपका 7,000 या 8,000 किलोमीटर, आप टायर कंडीशन भी देख सकते हैं इसका कैसा है अभी, ये गाड़ी भी एकदम ओके गाड़ी है, ये गाड़ी में भी कोई काम नहीं कुछ नहीं, इसका भी आपका जैसा रहता है 5 साल का इंश्योरेंस जो रहता है वो अभी भी वैलिड है। ये फर्स्ट ओनर गाड़ी है, ऑल पेपर्स कंप्लीट, NOC मिल जाएगा इस गाड़ी का, सब कुछ मिल जाएगा, नेम ट्रांसफर लोन सब हो जाएगा। ये गाड़ी का जो हम लोगों ने आस्किंग प्राइस रखा है दैट इज 1,55,000 में ये BS4 बोलेंगे, BS4 2019 ABS 19 का ABS के ABS मॉडल, अब ऊपर से देख लीजिए 250 है, 125 नहीं है उसका डबल है, तो आप दीजिएगा 1,55,000 रुपए में आप दे दीजिएगा। चलिए तो एक भाई को छोड़ के चले गए, दूसरा भाई है, ये भाई रहेगी आपका लास्ट वीडियो से, ये भाई को जल्दी नहीं, ये भाई अब मैं आपको बता देता हूँ, ये भाई रहा नहीं था, ये भाई चला गया था, ये भाई वापस आया एक्सचेंज में आपका R15 वर्जन 3 के साथ,
कोई एक बंदा गाड़ी था, नहीं सकता ये भाई को दिखाया ना, 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 चला गया था, चला गया था जी, बिल्कुल चला गया था। जो जो लेके गए थे वो वर्जन 3 आपका BS6 मॉडल ब्लू कलर का लेके गए थे, लेके ये एक्सचेंज करके वापस देके वो लेके गए। इसलिए आपका क्या है, पहले मैंने इस गाड़ी का दाम 75 आपको बोला था, गाड़ी का वैल्यूएशन भी कम हो गया क्योंकि एक्सचेंज में आया है, तो ऑब्वियसली ये गाड़ी का दाम अभी 72,000 ये देख लीजिए। कब का मॉडल बताओ? 2017 का गाड़ी है, 2017 गाड़ी का इंश्योरेंस पॉल्यूशन सब अपडेटेड है अभी, चेंज पॉकेट जी बिल्कुल, नहीं नहीं ये इंश्योरेंस अपडेटेड था जी बिल्कुल, चेंज पॉकेट नया लगा हुआ है गाड़ी में, कोई इशू नहीं, एकदम फिट एंड फाइन गाड़ी है। सिर्फ तेल भरना, 10 लीटर तेल बस दे देंगे, पूरा दुर्गा पूजा हो जाएगा, पूरा दुर्गा पूजा था, अष्टमी नवमी दशमी सब हो जाएगा, दुर्गा पूजा जिस दिन मेरा शटर बंद नहीं हो रहा सप्तमी तक, जो जो गाड़ी लेंगे आपका वीडियो से शायद ये निकल भी अगर जाए, दूसरा कोई गाड़ी अगर ले जाते आपका नाम लेके 10 लीटर मिलेगा, 10 लीटर मिलेगा, लेकिन पूजा तक सप्तमी जब तक चालू है, सप्तमी का रात 12 बजे तक शटर बंद कर दो, ऑफर कर दो, क्या बात है दादा, एकदम आप भी मतलब हमारे व्यूअर्स के साथ कॉमेडी कर दे रहे हैं, शटर बंद पेट्रोल बंद 72,000 में आप दे दीजिएगा। ब्लैक ब्यूटी, ब्लैक ब्यूटी डार्क नाइट एडिशन मोस्ट डिमांडिंग अभी कलर जो रहता है आपका डार्क नाइट एडिशन, 2019 ABS का मॉडल गाड़ी है ये, फर्स्ट ओनर गाड़ी, ऑल पेपर्स कंप्लीट विद इंश्योरेंस, ये गाड़ी का जो आस्किंग प्राइस है दैट इज 1,18,000 1,18,000 गाड़ी चला हुआ है आपका 12 या 13,000 किलोमीटर चला जी बिल्कुल। डार्क नाइट एडिशन 2019 का ABS के साथ 1,18,000 में सबसे ज्यादा यही चलता है, ये गाड़ी में भी कोई कुछ नहीं लेना है चलाना है, लेना है चलाना है बिल्कुल, बस तेल हमें तेल भी हम ही भर देंगे, तेल आप दे देंगे, गाड़ी तो रेडी है पूरा, रेडी टू राइड, रेडी टू राइड नहीं, जिस दिन लेंगे एकदम पॉलिश करके और चक चका कर देंगे, दुर्गा पूजा का टाइम में एकदम गाड़ी लगता है रात को, बहुत अच्छा लगता है, डिमांडिंग है, बहुत डिमांडिंग, ब्लैक कलर बहुत डिमांड है। एक गाड़ी और देख पा रहे ब्लू कलर R15 वर्जन 3 फिर से नॉन ABS मॉडल 2018 का गाड़ी है, ये गाड़ी शायद आपका वीडियो होने के बाद ये लाइट वोट से अलग से इसमें लगाया है क्या, फॉग लाइट लगा हुआ है जी बिल्कुल, अच्छा। लगा हुआ है ये, लगा हुआ है ये मार्केट का फिन लगा हुआ है, ये सब लगा हुआ है, ये गाड़ी 2018 का नॉन ABS गाड़ी है, शायद आपका वीडियो होने के बाद सबसे पहला गाड़ी यही निकलेगा, प्रेस का भी है ना, प्रेस लोग जल्दी भागते हैं। ये गाड़ी का जो हम लोगों ने आस्किंग नहीं बोली है, फाइनल फाइनेंस ले या लोन ले सब कुछ के लिए फाइनल प्राइस पड़ेगा 97,000 में, नॉन ABS, नॉन ABS क्या बात है, 97 में देख लीजिए, प्रेस लोग जल्दी भागते हैं, तो प्रेस देख लीजिए 2018 का गाड़ी है, नॉन ABS गाड़ी, फर्स्ट ओनर गाड़ी, फर्स्ट ओनर 97,000 में आप दे दीजिएगा, वो भी ब्लू कलर का, पूजा का टाइम है तो डिमांड बहुत इसका हाई है जी। जावा दो दो आपके पास है, पहला गाड़ी क्रोम की तरह लग रहा है एकदम, ये जो है ओरिजिनल इंस्पायर्ड जावा है, जो पुराना जो मतलब पुराना जो जावा था, इसका जो मीटर कंसोल है, हेडलाइट कंसोल है, ये एकदम पुराना वाला जावा से थोड़ा इंस्पायर्ड किया हुआ है, ये गाड़ी जो है जैसे जावा क्लासिक मॉडल, क्लासिक क्लासिक बोलते हैं इसको, ये क्लासिक मॉडल है, 2020 का ABS मॉडल गाड़ी है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है, गाड़ी मात्र चला हुआ है 2100 किलोमीटर, कुछ नहीं है, आप इसमें भी देख लीजिए कंडीशन, अरे भाई आप फिर से हमको बोलेंगे सूता निकालने के लिए, एक एक सूता रोज आएंगे तो खत्म हो जाएगा, इसका पूरा एकदम सुपर कंडीशन में गाड़ी है, गाड़ी में कोई काम नहीं कुछ नहीं, उसमें भी हम ही तेल डालेंगे, आपको चलाना है बस लेके निकल जाना घूमने के लिए। 2020 का ABS मॉडल गाड़ी है, 2100 किलोमीटर चला हुआ गाड़ी, ये गाड़ी का हम लोग आस्किंग प्राइस रखा हुआ है 1,45,000 बहुत अच्छा रेट में, ये गाड़ी चलाइए, थोड़ा चलाने से फील थोड़ा मिलेगा, रॉयल एनफील्ड का फील तो ही मिलेगा, लेकिन सब गाड़ी का अलग अलग थोड़ा थोड़ा फील है, ये गाड़ी चला के आपको चला के स्पीड मतलब थोड़ा सा पावर वावर सब कुछ बहुत अच्छा है इस गाड़ी का, फील आपको मिलेगा, 1,45,000 में आप ले जाइए जी, ये आपका क्लासिक क्रोम एडिशन, जावा क्लासिक क्रोम की तरह कलर एकदम, इसका रेड कलर का देख पा रहे हैं, ये नया वाला 42 है, ये जावा 42 मॉडल है, ये आपका सबसे बड़ा इसमें एडवांटेज क्या है, ये जावा जो आप देख रहे हैं 42 मॉडल है, ये डुअल चैनल मॉडल है, ABS मॉडल है, सामने भी डिस्क है पीछे भी डिस्क है, डिस्क है, इस गाड़ी में सबसे फायदा क्या होता है, कस्टमर बहुत टाइम बोलते हैं जो मेरे को एलॉय लगाना है, इसका अगर सिंगल डिस्क मॉडल जो आता है ना 42 वाला का, उसमें एलॉय नहीं लगता है, इसमें लग जाएगा, अगर कोई कस्टमर चाहे तो इसमें एलॉय भी लगा सकता है, फिट कर सकते हैं, ये गाड़ी फर्स्ट ओनर गाड़ी है, ये गाड़ी चला हुआ है मात्र 3,000 किलोमीटर, सिर्फ 3,000, इसका भी टायर देख लीजिए आप, फिर से आप हमको बोलेंगे, अब हमको एक एक करके हम निकालेंगे जरूर सुता, देखिए बार बार हमको निकालना पड़ेगा, एकदम ओरिजिनल 3,000 किलोमीटर चला हुआ गाड़ी, एकदम वेल मेंटेन गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं, गाड़ी का जो हम लोगों ने प्राइस रखा हुआ फाइनेंस परचेज के लिए 1,50,000 1,50,000 कैश के लिए, ये 45 ये 50 ये BS6 मॉडल है, BS6 नहीं 4 ही है, ओके दोनों 4 है, चलिए तो देख लीजिए दोनों ही गाड़ी मिल जाएगा, वो दोनों जावा 1,50,000 में और 1,45,000 और ये आपका 50। चलिए आपको बहुत सारा इनफील्ड दिखाते हैं, थोड़ा यहाँ सस्ता इनफील्ड मिलता है, अच्छा भी मिलता है आपको, दिखा दे रहा सबसे पहले आ जाते हैं, डिमांडिंग एक कलर है ये गन मेटल कलर, 2018 का ये डबल डिस्क मॉडल है, आगे भी डिस्क पीछे भी डिस्क मॉडल है, ये गाड़ी चला हुआ आपका 20,822 किलोमीटर, जो बुलेट 20,822 किलोमीटर चला हुआ गाड़ी है, 18 का गाड़ी है, ये गाड़ी एकदम ओके है, ये गाड़ी में भी कोई मैकेनिकल कोई फॉल्ट आपको मिलेगा नहीं ये गाड़ी चलाने के, ये गाड़ी का जो हम लोगों ने आस्किंग प्राइस रखा हुआ है दैट इज 1,38,000 1,38,000 जी, और ये आपका मतलब जो मीटर चला हुआ है वही एकदम बिल्कुल 21,822 किलोमीटर,
तो ये कब का मॉडल बता रहे हो? 2018 का डबल डिस्क मॉडल, डबल डिस्क, सिंगल डिस्क नहीं, डबल डिस्क मतलब एबीएस नहीं है इसमें, एबीएस नहीं है, डबल डिस्क है सर। अगर होता तो और दाम कम होता, डबल डिस्क मॉडल का थोड़ा प्राइस हाई रहता है। तो ये आप दे दीजिएगा 1,38,000 जी, वो नेगोशिएबल रहेगा आपका कैश पर, डबल डिस्क के साथ। देख लीजिए गाड़ी एकदम कंडीशन में, और बुलेट तो दुर्गा पूजा में चलता ही है। आर्मी लोग तो जब दुर्गा पूजा आता है तो RX 100 लेके भी रेस लगा लेते, कोई भी गाड़ी जो मिल जाए, जो मिल जाए RX 100 लेके भी बुलेट का आदमी चमकाते हुए चला जाएगा एकदम, कुछ नहीं करने का इसमें। बजाज चीता भी दौड़ता है उस टाइम में, पूजा के टाइम में, ठीक बोले, सब दौड़ता है उस टाइम में। चलिए एक और गाड़ी आपको दिखा रहे हैं, ये कलर सबसे ज्यादा कलर डिमांडेबल है। लास्ट गाड़ी पे आते हैं अपना आज का, ये गाड़ी जो आप देख रहे हैं दिस इज 2017 मॉडल क्लासिक 350। आप इस लाइन में होंगे, आपको पता ही होगा 2017-18 का गाड़ी का रेट कैसा जा रहा है। ये गाड़ी का जो हम लोग आस्किंग प्राइस रखा है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है, ये गाड़ी का आस्किंग प्राइस है 1,12,000। ठीक है, 2017 का गाड़ी है, 1,12,000 रुपए। ये कलर सबसे ज्यादा चलता है जी, बिल्कुल। और इसमें कस्टमर आएंगे मॉडिफाई कर लेंगे जी, बिल्कुल। एलईडी फॉग लैंप लगा हुआ है ये गाड़ी में भी, मैकेनिकल कोई इशू नहीं, कुछ नहीं, ऑल पेपर्स कंप्लीट, एकदम बिंदास लेके एकदम। जितने भी गाड़ी आज आपको दिखाए हैं हम, सारे गाड़ी पे लोन हो जाएगा, सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं, गाड़ी सब में लोन हो जाएगा, सब में लोन नहीं हो पाएगा, सब में लोन हो जाएगा। 17 का गाड़ी है जी, बिल्कुल, सब में लोन हो जाएगा आपका। मेरा ना तबीयत सुबह से बहुत खराब है, रेस्ट कीजिए आप, इतना काम कर रहे हैं, घूम रहे हैं, मेरा कभी भी नींद नींद जैसा लग रहा है, इसलिए हम काला चश्मा पहनते हैं, मेरा सपना समझ में नहीं आता किसी के अंदर में, मेरा अंदर भावना क्या चल रहा है जी, होता है, आप इतना काम कर रहे हैं तो इसलिए तो आपका। अरे दादा बस आप लोग का प्यार है, बस मेहनत है दादा, जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा, आप लोग की वजह से ही शायद हम लोग का भी ये चल रहा है चीज, आप चल रहे हैं, हम चल रहे हैं, साथ में लेके चलना पड़ेगा, एक दूसरे से जुड़ के ही कोई काम होता है, हमेशा अलोन नहीं होता है, इसमें एक जुड़ता है वी वी रहता तभी एक साथ काम होता है, वो अकेला नहीं होता, एकदम अकेले कभी नहीं होता, कोई भी काम अकेला नहीं होता। जब पहले कुछ दिन पहले तक जब ये व्लॉग व्लॉग नहीं था, कुछ नहीं था, क्या था, हम लोग वेट करते थे कस्टमर आएगा कैसे, कनेक्ट करे कस्टमर, आप लोग हम लोग का जरिया बन गए, जो हम लोग को कस्टमर से इधर से उधर कनेक्ट करा, कस्टमर भी खोजते थे किसके पास जाए क्या करे। अभी क्या कस्टमर को जो गाड़ी चाहिए, बहुत सारे आप लोगों का ब्लॉग देखते हैं तो उसमें से शायद उनका पसंद वाला गाड़ी उनको मिल जाता है, प्राइसिंग में मिल जाता है, हर वक्त हर डीलर के पास प्राइस वाला गाड़ी नहीं रहता, पर किसी के मिल जाता है तो लोग कर लेते हैं बिकॉज ऑफ यू, आप लोग के वजह से, और आपके वजह से हमारे व्यूवर्स भी आपके पास अच्छे अच्छे व्यूवर्स है, अच्छे अच्छे डीलर के साथ मुलाकात होता है और ये सब गाड़ी हम लोग दिखाते हैं। तो सर बहुत अच्छा लगा ये सब गाड़ी हम अपने व्यूवर्स को दिखा दे रहे हैं, तो हमारे व्यूवर्स पहले अगर आपको कोई भी गाड़ी पसंद है फटाफट स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, कॉल करिए अर्जिंता को और परेशान करिए, और रात में 2-3 बजे 4 बजे जब मिलिए, लेकिन सप्तमी के दिन शटर बंद होने के बाद पेट्रोल आपको नहीं मिलेगा, जब बोले ना 12-1 बजे 2 बजे फोन करिए, उसके बाद हमको भी काला चश्मा पहन के निकलना पड़ेगा आपके जैसा, दोनों काला चश्मा पहन के, नींद है मेरी आंखों में, नींद है फिर भी वीडियो बना रहा हूँ, कुछ नहीं करने का, तो दादा ऐसा काम ही है दादा, करना ही पड़ेगा एकदम एकदम, बहुत अच्छा। तो देख लीजिए आप लोग फटाफट आइए मोटो मैनिक में और अपने सपने को पूरा करिए, और दादा कुछ हमारे व्यूअर्स को बोलना चाहते हैं जी, बोलना जरूर चाहेंगे, जो कस्टमर लोग जब भी आते हैं हम लोग के पास, कहीं दूर से भी कस्टमर आते हैं, हर बार बोलता हूँ जो आने से पहले दादा थोड़ा सा फ़ोन कर लीजिए हमें, फ़ोन करके या कुछ भी व्हाट्सएप कर लीजिए, जो नंबर आप डालेंगे वो मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, अगर कोई कस्टमर बाहर से आ रहे हैं तो वो मेरे को कॉन्टैक्ट कर ले, मैं बता दूंगा वो गाड़ी है या बुक हो गया या बुक कर दीजिए, फोटो वीडियो भेज दूंगा मैं, तो आके मैं चाहता नहीं हूँ खाली आता, आप चले जाओ, जो गाड़ी जो देख के आते हो खाली आता, जो भी गाड़ी देखना पहले आप पूछ लीजिए, क्योंकि गाड़ी वीडियो बनने के बाद रहता नहीं है जाता गाड़ी, बिल्कुल। और बहुत कस्टमर है आपका दादा बोलते हैं, मैं आपका तो कमेंट्स भी पढ़ता हूँ, देखता हूँ सारा, वीडियो का इंतजार भी करते हैं इस डीलर का वीडियो कब आने वाला, तो हम लोग मतलब देखेंगे क्या गाड़ी है, और आपका जो कमेंट्स भी देखता हूँ, कस्टमर बहुत लोग बोलते हैं किसी के लिए होता है हाई प्राइस लगता है, किसी को लो प्राइस रखता है, या किसी को लगता है जो नहीं जाके प्राइसिंग करेंगे तो हो जाएगा, मिल जाएगा, तो कुछ भी डिसीजन लेने से पहले अगर गाड़ी पसंद है कोशिश कीजिए बात कर लेने का, बात कर लीजिएगा तो हो सकता है आपका डील फाइनल हो जाए, क्योंकि मेरे को भी बेचना, मेरे को गाड़ी रख के तो फायदा नहीं है, मेरा गाड़ी निकलेगा तो मेरा का फायदा है, वही बात है, मेरा गाड़ी रख के फायदा नहीं है, आप आइए ऑन द टेबल और नेगोशिएट हो जाएगा तो अच्छे प्राइस में आपको मिल जाएगा। तो चलिए आपसे भी मुलाकात करके अच्छा हुआ दादा, आज तो मेरा भाई ने कब आपको फोन किया, कल रात में, कल रात को फोन किया, रात को 12-1 बजे फोन किया, फोन किए 2 बजे हम लोग आ गए, मैं तो एकदम श्योर था आप बोलेंगे ना दादा नहीं होगा कल, हम यही सोच के फोन किया, नहीं नहीं दादा, हमारा 2-3 डीलर जो क्या होता है सर, हम अगर रात को 2 बजे ही फोन करते हैं उठाते हैं, क्योंकि 2 बजे मैं एडिटिंग करता हूँ वीडियो, तो एडिटिंग करते करते मैं उठाया फोन आपका, आप बोले वाने के लिए, मैं ठीक आ जाऊंगा, मैं सोचा कि अभी गाड़ी आपका है, मैं सोचा था गाड़ी बहुत सारा था मेरा, ये पूजा का टाइम में जानते ज्यादा कुछ ना कुछ तो गाड़ी निकलते ही रहता है, इसीलिए क्या हुआ, मैं सोचा जो गाड़ी है दिखा देते, एटलीस्ट अपडेटेड रहना, अपडेटेड रहना बहुत जरूरी है, अपडेटेड रहना। तो चलिए अपडेटेड अरिंदा भी है, हम भी है, और दुर्गा पूजा का समय चल रहा है, तो चलिए मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू।